वीडियो नहीं हुआ तो कोई गुनाह हो गया वो मेरा, जो आप लोगों ने इतना सारा बवाल कर रहे हो कि मैं व्यूज पाने के चक्कर में वीडियो डाल रहे हूँ, तो आप लोगों का ये सोच क्यों है वो देख के मुझे खराब लगा कि ऐसा क्यों सोच रहे हो। एक ब्लॉगर अगर दूसरे ब्लॉगर या दूसरे यूट्यूबर के ऊपर अगर वीडियो बनाते तो आप लोग हमेशा यही सोचते हो कि व्यूज पाने के चक्कर में किसी का नाम यूज कर रहे हो, व्यूज पाने के चक्कर में किसी का भी कुछ यूज कर रहे हो। ठीक है, मीन्स आप लोगों ने बस ऐसा ठान लिया है थंबनेल और टाइटल अगर किसी यूट्यूबर का हो तो वो व्यूज पाने के लिए ही वो वीडियो बनाए हैं। एक बार ऐसा कीजिए कि वीडियो के अंदर जाके थोड़ा सा देखिए, उसके बाद ही कमेंट कीजिए कि आपने वीडियो के अंदर क्या देखा, उसके बाद ही कुछ तो बोलिए। बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे ही कुछ बोल देते हो तो वो ना आप लोगों को हर्ट नहीं करेगा, वो हमें हर्ट करता है कि हमने तो ऐसा वीडियो में कुछ भी नहीं बोला है जो आप लोग इस टाइप का बोलते हो कि व्यूज पाने के चक्कर में। मैं इतना बोल दूं कि वो वीडियो में कितना व्यूज आया है जो आपको लगा कि व्यूज पाने के चक्कर, हाँ अगर वो हो जाता 200, 300 या 500 तो मुझे लगता कि सच में यार थंबनेल और टाइटल डालने से ही कुछ हो जाता है, मीन्स व्यूज आ जाते हैं। बट मैं इतना बोलूंगी कि सारे यूट्यूबर के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कौन किस मतलब से वीडियो बनाता है, क्या करता है। बट हाँ, मैं जो बनाती हूँ या मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना, वो कुछ सिमिलैरिटी देख के बनाती हूँ या कुछ चीजें मुझे अच्छा लगता है वो चीज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। यहाँ पे ये चीज अच्छा हो रहा है क्योंकि ये हमारा काम है जो हम ऐसे ही करते हैं। आज ही यूट्यूबर, आज ही ब्लॉगर, जो हमें पसंद आता है, जो हमें अच्छा लगता है, वो हम सोचते हैं या वो हम हमें लगता है कि हमारे व्यूअर्स, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास ये चीज जाए, वो भी इसको देखे, अगर उनको ये पसंद आता है तो वो इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सोच है। आई डोंट नो आप लोगों का सोच क्या है, बट यहाँ पे ना मैं सारे व्यूअर्स को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो कभी कभार आते हैं, जब भी किसी के ऊपर वीडियो जाता है ना तब ये लोग आते हैं और उल्टे सीधे कमेंट करते हैं जो बिल्कुल जो सही नहीं है वो बोलते हो, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। क्यों, वो मेरा ना रेगुलर व्यूअर्स है जो मुझे वॉच करते हैं कंटिन्यू, वो मेरा व्यूज है, मीन्स 50 to 60 ये मेरा ना रेगुलर है। इसके ऊपर जो जाता है ना, हाँ मुझे लगता है कि ये वीडियो में कुछ तो था जो गया। आई डोंट नो आप लोगों को क्या समझ में आता है और क्या नहीं, मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं इतना बोलना चाहती हूँ। और एक चीज है जो मैं अभी ना लाइव गई थी इसके बारे में बात करने के लिए कि लोगों का जो ये नजरिया है थोड़ा सा ना खराब लगता है कि कभी भी हम किसी के यूट्यूबर का हैशटैग लगा दिए तो वो ये सोच लेते हैं कि हम व्यूज पाने के लिए वो उनके नाम यूज कर रहे हैं, उनका थंबनेल यूज कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा वीडियो के अंदर भी जाइए, वीडियो देखिए और वीडियो में क्या बोला गया है वो समझिए, उसके बाद बोलिए। ये है बातें जो आज मुझे आप लोगों के साथ करना है, जो मुझे ईशोक मुंडा और आशा रानी के वीडियो डाला था मैं कुछ दिन पहले, उसमें कमेंट आया है कि मैं व्यूज पाने के चक्कर में ये कर रहा हूँ, तो ये आपका गलतफहमी है जो मुझे लगा कि दूर भी करना चाहिए। वीडियो के अंदर आपने नहीं देखा कि क्या बोला गया है और वीडियो के अंदर क्या था, ठीक है, जस्ट टाइटल और थंबनेल देख लिए और उसके बाद कमेंट कर लिए, जो कमेंट से ही पता चलता है कि आपने कुछ नहीं देखा है। ईशोक मुंडा के बारे में जब मैं वीडियो डाला था ना, वहां पे मैं उनको उनके ऊपर खुश हुई थी और अप्रिशिएट किया था उनके काम को लेके, क्योंकि उससे पहले 5 या 6 महीने पहले मैं उनके ऊपर एक छोटा सा वीडियो डाली थी कि हर तरफ से मदद मिलने के बाद भी वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। ये सेकंड वीडियो में उनका प्रोग्रेस देख के मुझे अच्छा लगा, तो वो चीज मैं शेयर की और अप्रिशिएट भी किया था उनको कि जो अभी कर रहे हैं ना बहुत अच्छा हो रहा है और जो चल रहा है उनका लाइफ बहुत अच्छे से चल रहा है। जब इंसान बदलता है ना वो अच्छा लगता है, जो अच्छे के लिए बदलता है। आशा रानी के ऊपर जो वीडियो डाली थी वो था मेरे साथ सिमिलरिटी देख के, क्योंकि कुछ टाइम तक मैं उनको देखने के बाद ना मुझे लगा कि जो सिचुएशन उनका है ना मेरा सिचुएशन वही है, उनका मायके का सिचुएशन और मेरा ससुराल का सिचुएशन ना सेम है, और जो तकलीफ में वो है ना वो तकलीफ भी मैं समझ सकती हूँ, कितने तकलीफ में है, उनको क्या मदद चाहिए और जो मदद मिल रहा है वो उनके लिए काफी है कि नहीं, वही चीज मैं वहां पे शेयर किया था। बट आप लोगों को क्या समझ में आया क्या नहीं मुझे नहीं पता, और आई थिंक आप लोगों ने वीडियो ही नहीं देखा है जो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, और मुझे लगा कि ये छोटा सा वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि वो वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप लोगों ने
इस टाइप का सोच रखते हो कि कोई भी यूट्यूबर अगर दूसरे यूट्यूबर के बारे में कुछ भी बोलता है ना, वो बस व्यूज पाने के लिए बोलता है। इसी वजह से मुझे लगा कि फ्रंट टू फ्रंट में बात कर दूं, मैं इनसे लाइव आके आप लोगों से बात करूं, नहीं तो वीडियो फिर से लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग बोलोगे कि वीडियो बहुत लॉन्ग कर रहे हो। बस मुझे आप लोगों से यही बात करनी थी, यही क्लियर करनी थी, जो गलतफहमी है उसको दूर करनी थी। और इस टाइम ना मैं थोड़ा सा अप डाउन में चल रही हूँ, मीन्स मेरा तबीयत ऊपर नीचे हो रहा है, जिस वजह से ना मेरा ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ रहा है। रुक रुक के 2-3 दिन में मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाऊं और प्रॉपर जैसे वीडियो बनाते हैं ना वो बनाऊं। तो चलिए ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मैं जो समझाना चाहती थी वो समझा पाई और आप लोगों ने भी समझ लिया कि एक्चुअल में वो वीडियो में क्या था जो आपको गलतफहमी था कि मैं व्यूज पाने के चक्कर